आखिर इनके विचार क्या थे क्या सोच थी और इनके कुछ विचारों को लेकर हमने लगातार जिक्र भी किया है लेकिन मात्र ये सोचना कि वे एकश्वरवाद में विश्वास करते थे यही उनका विचार था या मात्र मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे यही उनका विचार था ये सही नहीं होगा अपने विचारों को एक अमली जामा एक निश्चित आकार देने के लिए कुछ विधियों को भी इजाद करना पड़ता क्या तरीके होंगे कयामत के दिन के बाद आपको याद होगा मैंने पूर्व में कयामत की चर्चा की थी आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे उचित समय पर फिलहाल हमको ये जानना है कि जिसे हम मुक्ति कहते हैं वो पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस पर भी मोहम्मद पैगम्बर ने अपने विचार रखे तो हम थोड़ा सा इसको एक सतही नज़र से थोड़ा भी जाने और फिर विस्तार से फिर हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहला उनकी जो शिक्षा थी इस्लामी शिक्षा उसके तहत उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना अनिवार्य है नमाज यानि प्रार्थना नमाज यानि प्रार्थना पांच बार करना अनिवार्य है दिन में पांच बार नमाज पढ़ें प्रार्थना करें दूसरा कलमा का उच्चारण करना जो उसके कुरान की पंक्तियां हैं उसको जोर जोर से उनको बोलना तीसरा जकत जकत क्या एक तरह का कर है जकत अपनी आय का ढाई प्रतिशत अपनी आय का ढाई प्रतिशत दान करना वह जकत कहलाता था चौथा रमजान में व्रत रखना और पांचवा हज यानि मक्का की यात्रा करना ये जो पांच बिंदु हैं ये हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को एक तरीके से आदेशित किया उन्हें आदेश दिया कि इस्लाम के ये मूल सिद्धांत हैं और यदि पक्के मुसलमान हैं तो इनका पालन करना ज़रूरी है उसके अलावा उन्होंने दो बिंदु और बोले थे जो मैंने पूर्व में बताए एक में ये था पर सेवा और दूसरा था चोरी न करना ये उनके उनके विचारों के अहम अंग थे चोरी न करना और जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग मुस्लिम या मुसलमान कहलाएंगे ऐसा उनका कहना था तो इस्लाम की शिक्षा मूल रूप से इन्हीं पांच बिंदुओं तक सीमित है प्रार्थना कलमा जकत रमजान और हज मोहम्मद साहब ने अपनी जो विचारों में मानवता और उसके साथ नैतिकता पर बहुत बल दिया दूसरों को दान करना पर सेवा मैंने आपको बताया उनका एक विचार था ये मानवता का ही परिचायक था और साथ ही मैंने कहा चोरी न करना ये उनके लिए बहुत अहम था ये विचार जो नैतिकता का परिचायक था तो मोहम्मद पैगंबर ने मानवता और नैतिकता पर भी अत्याधिक बल दिया ये तो जो पहले पांच बिंदु बताए हैं मैंने ये तो विधि है किस विधि से हम कयामत की ओर जा किस विधि से हम अल्लाह को पा सकते हैं उसके रास्ते थे लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और करना होगा और उसमें उन्होंने नैतिकता पर और उसके साथ मानवता के मानवता की भलाई के लिए कार्य करना इस पर बहुत बल दिया भेदभाव समाज में ना हो किसी तरह का मन मुटाव ना हो बंधुत्व भ्रातृत्व की भावना हो इसके ऐसे सिद्धांतों का पालन करें उन्होंने यही बात कही कि मानव अपने कर्मों के अनुसार जन्नत या दोजक जाता है ये वही बात है ये वही विचार है जो अन्य धर्मों में भी मिलते हैं चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो नाम का कुछ अंतर है जहां जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग वहीं दो जग का अर्थ होता है नरक तो स्वर्ग और नरक जाने की जो बात है वो लगभग सभी धर्मों में है और उसका आधार क्या होता है कर्म आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा और परिणाम स्वर्ग और नरक के रूप में मिलेगा यही बात हजरत मोहम्मद भी कहते थे आखिर जब ये कोई बातें नई नहीं लग रही हैं तो इसका विरोध क्यों ये जो विचार पांच विचार दिए इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं थी हज की मक्का की यात्रा पर जाने का उन्होंने आदेश भी दिया है इस्लाम को इस्लाम के अनुयायियों को लेकिन वो जो विरोध वो जो हुआ वो मूलतः फिर वही बात पर बहुत देववाद मूर्ति पूजा अंधविश्वास इस पर उन्होंने कठोर प्रहार किया और उनके कठोर प्रहार का विरोध कर रहे थे और चौथा और अंतिम था लोगों की ये शंका कि उनके ये विचार कबीलाई शेखों के व्यापार व्यापारिक इंटरेस्ट को उनके व्यापारिक हित को ये चोट पहुंचाएंगे इसलिए उन्होंने इनका सख्त विरोध किया आगे बढ़ने से तो पहले अब हम थोड़ा सा एक अच्छी तरह अभी हमने इस्लामी कैलेंडर की बात की और ये बताया कि इस्लामी कैलेंडर जो है वो चंद्र पर आधारित है साथ ही दिनों की संख्या एक वर्ष में तीन सौ चौवन होती है उसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लें और उसका एक कैलकुलेशन भी जानने की कोशिश करें हिजरी सन की स्थापना किसने की थी उमर ने की थी जो मैंने बताया आपको पहले कि हिजरी सन की स्थापना उमर नामक कैलिफ ने की थी उसके खिलाफत में हुई थी और खिलाफत का अर्थ है जब वो कैलिफ थे तब इसका पहला वर्ष कब माना जाता है वर्ष जिस समय ये मक्का से मदीना दल के साथ पलायन किए दल के साथ निकले मक्का में सतत बढ़ते विरोध के परिप्रेक्ष्य में उन्हें मदीना की ओर जाना पड़ा 622 तो 622 इस वर्ष का प्रारंभ है हिजरी की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद ए एच लगाया जाता है ये समझ लीजिए हिजरी की तारीख को जब लिखते हैं तो वर्ष के बाद ए एच लगाया जाता है हिंदू धर्म में क्या लिखते हैं ईसवी या संवत यदि हम ऐसी बात करें तो हिंदू कैलेंडर की बात करें तो संवत अन्यथा अंग्रेज़ी वर्ष को हम ईसवी e में लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं ए और एच जिसमें हिजरी वर्ष वर्ष है और उसमें मैंने बताया कि उनतीस दिन या तीस दिनों के महीने होते हैं और ये जो वर्ष है ये मुहर्रम से धुल हिन्ना तक का माना जाता है यानी मुहर्रम से शुरू होता है और धुल हिन्ना पर जाकर वर्ष समाप्त होता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए यदि पूर्व में नहीं मालूम थी तो और बीच में बताई गई है कि इनका दिन जो है वो सूर्यास्त सूर्यास्त से शुरू होता है सूर्योदय से नहीं यानी संध्या से शुरू होता है इसके वर्ष ग्यारह दिन कम होते हैं और हिजरी का कोई भी त्योहार जो है वो निश्चित मौसम में नहीं होता जैसे हमारे हिंदू धर्म में या धर्म में 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा ही ऐसे हमारे हिंदू धर्म में तारीख तो तय नहीं है लेकिन मौसम तय है चैत्र बैशाख जेठ सावन भादों अगहन पूस कुंवर कार्तिक ये जो हमारे हिंदू धर्म हैं हिंदू माह हैं इन माहों में त्यौहार होते हैं तो मौसम के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार लेकिन इस्लाम में इसके अनुसार नहीं होता इसमें हिजरी का कोई भी त्यौहार जिनमें रमज़ान के रोजे शामिल हों या हज भी शामिल है ये मौसम के अनुसार नहीं बल्कि हिजरी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर से ये जो रोमन कैलेंडर है इसको हम बाद में ग्रेगरियन ग्रेगर बादशाह के किंग के नाम से बना है ग्रगेरियन कैलेंडर पोप जो थे रोम के जो पोप थे वो शासक भी थे और साथ ही धार्मिक गुरु भी थे तो ग्रेगरी के नाम से बना है और पोप ग्रेगरी तेरहवा थर्टीन पूरा नाम क्या पोप द थर्टीन पोप ग्रेगरी द थर्टीन और इसकी शुरुआत पाँच सौ बयासी पंद्रह सौ बयासी ए डी से मानी जाती है फिफ्टीन एटी टू ए डी में ग्रगेरियन कैलेंडर की स्थापना हुई 1582 ऐटी ए डी में ग्रगेरियन कैलेंडर की स्थापना हुई इनकी तारीखों के साथ कोई मिलान नहीं है किसका मिलान नहीं है ये ए एच वाला इस्लामिक कैलेंडर का कोई मिलान नहीं तो फिर दोनों में मिलान कैसे करें तो इस्लामिक कैलेंडर जो है उसका हिजरा एच लिया गया है और ग्रिगेरियन कैलेंडर क्रिश्चियन है उससे सी लिया गया है तो उसमें गुणा भाग कैसे करें इसको देखिए आप समझने की कोशिश करिए इस्लामिक कैलेंडर को एच से दिखाया गया है और ग्रगेरियन कैलेंडर को सी से दिखाया गया है और कैलकुलेशन करने का जरिया है एच मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 33 इसके हम विस्तार से उस पर नहीं जाते कि ये ये नंबर ये अंक कहाँ से आए हैं बत्तीस कहाँ से आया तैंतीस कहाँ से आया आदि आदि लेकिन यदि हमको ग्रगेरियन कैलेंडर को इसमें परिवर्तित करना है या उल्टा करना है इस्लामिक कैलेंडर को ग्रेगेरियन में परिवर्तित करना है तो उसका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा देख लें एच इन टू थर्टी टू बाट मल्टीप्लास ट्वेंटी टू सी माने क्रिश्चियन कैलेंडर तो यदि आपको ग्रेगरियन कैलेंडर की तारीख निकालना हो वर्ष निकालना हो तो ऐसा करें हिजरा वर्ष क्या है वो लिख दें और बत्तीस बटा होल ब्रैकेट प्लस सिक्स ट्वेंटी टू जोड़ लेकिन यदि दूसरा करना है उल्टा करना है हिजरा वर्ष निकालना है से तो उसका फॉर्मूला है सी माइनस सिक्स ट्वेंटी टू सी क्या है क्रिश्चियन कैलेंडर का वर्ष क्या रहेगा क्रिश्चियन कैलेंडर का वर्ष क्या रहेगा यह है सी सी फॉर क्रिश्चियन सी माइनस सिक्स ट्वेंटी टू होल मल्टीप्लाइड बाय थर्टी थ्री डिवाइड बाय थर्टी थ्री बाय थर्टी टू मल्टीप्लाईड बाय थर्टी थ्री बाय थर्टी टू इज इक्वल टू एच मैं पुनः दोहरा दूँ सी स्टैंड्स फॉर क्रिश्चियन कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर जिसका वर्ष माना जाता है शुरुआती वर्ष पंद्रह सौ बयासी और एच स्टैंड फॉर हिजरा जिसका शुरुआती वर्ष माना जाता है सिक्स हिजरा उस घटना को कहते हैं जिसमें मोहम्मद पैगंबर अपने अनुयायियों के साथ मक्का के भारी विरोध के कारण मक्का से निकल के मदीना की ओर चले जाते हैं और मदीना पहुंचते हैं कब दो जुलाई 622 को राइट ये हुआ एक कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर के बारे में आपको जानकारी इतनी पर्याप्त है आगे बढ़ने से पहले और खलीफाओं का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा एक तरीके से संक्षिप्त में पुनरावृत्ति कर लें कयामत आपने जाना है क्या है और कयामत बनाम धरती पर रहना इसमें क्या है कयामत के दिन आपकी स्थिति क्या होती है स्वर्ग या नरक जाने की लेकिन जब तक आप धरती में हैं तब तक संप्रदाय के साथ कैसे आप रहें कैसे उसका हिस्सा बने इसका प्रयास करना है छ सौ बाईस में हिजरा वर्ष हुआ और मैंने आपको बताया कि मक्का में उच्च वर्ग के लोग मक्का में धनाढ़ वर्ग के लोग शेख लोग उनका सतत विरोध कर रहे थे इस विरोध के परिप्रेक्ष्य में पैगंबर को मोहम्मद पैगंबर को वहाँ से मक्का से मदीना जाना पड़ा और ये जाने की घटना को हम क्या कहते हैं हिजरा वर्ष कुरान शरीफ की यदि बात करें तो किसी ने कहा है कि सात समुद्र में जितना स्याही है सात समुद्र में जितना पानी है समझ लीजिए उतनी स्याही और दुनिया भर में जितनी वृक्ष हैं समझ लीजिए उतनी कलम इतनी जित वृक्षों की संख्या के बराबर के कलम से भी यदि इतने बड़े बड़े सागरों से की स्याही से लिखा जाए तो भी कुरान स्वयं में पर्याप्त नहीं होगा इतना विशाल उसके अंदर ज्ञान है कुरान शरीफ की यदि बात करें तो कुरान शरीफ 114 अध्याय मैंने बताया था जिसे हम सूरा कहते हैं एक अध्याय ने एक सूरा और साथ ही आपको उस समय मैंने बताया था कि अंतिम सूरा जो है अंतिम अध्याय सबसे लघु है सबसे संक्षिप्त है दूसरे शब्दों में जैसे जैसे सूरा पीछे पीछे जाते जाता है वैसे वैसे उसका जो साइज है उसका जो आकार है अध्याय का सूरा का वो क्रमशः छोटा होता जाता है उसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है तो आखिरी सूरा सबसे छोटा हुआ लेकिन इसका अपवाद पहला सूरा है जो बहुत ही संक्षिप्त है इसका जो अपवाद है एक्सेप्शन जो है कुरान का वो पहला सूरा है जो बड़ी बहुत संक्षिप्त है क्योंकि वो मात्र एक प्रार्थना है शुरुआती प्रार्थना है प्रारंभ की प्रार्थना है जिसे हम उर्दू में अल फतिहा भी कहते हैं अल फतीहा यानी प्रारंभिक प्रार्थना तो प्रारंभिक प्रार्थना के रूप में पहला सूरा है और चूंकि ये मात्र प्रार्थना है वो सबसे संक्षिप्त है वैसे तो अंतिम सूरा सबसे लघु है और क्रमशः पहले सूर्य से अंतिम सूर्य तक उसकी लंबाई हर सूर्य की कम होती जाती है मुस्लिम जो परंपरा है इस्लामिक परंपरा के अनुसार कुरान जो है वो सभी संदेशों का देवीय संदेशों का अल्लाह के संदेशों का एक तरीके से रहस्योद्घाटन है क्या है रहस्योद्घाटन? जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रेवेल्यूशन आर ई वी ई एल ए टी आई ओ एन रेवेलेशन है रहस्योद्घाटन है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 तक दिया 610 कौन सा वर्ष है जब उन्हें ज्ञान मिला छो दस और छ सौ बत्तीस जब मृत्यु को प्राप्त हुए सिक्स थर्टी टू में मोहम्मद पैगंबर का देहांत हुआ तो ये जो बाईस वर्ष के काल में उन्हें समय समय पर दैवीय ज्ञान मिलता रहा समय समय पर अल्लाह के संदेश मिलते रहे विभिन्न रूपों में या जो भी उन्हें मिला उसे उन्होंने अल्लाह का संदेश कहा इन संदेशों का संकलन कुरान में दिया हुआ इसके साथ पहले 610 से 632 की अवधि में ये जो सारे संदेश हैं ये मक्का में दिए गए या मदीना में हुए और यही दो जगह मूल रूप से हुए गए उन्होंने अन्य किसी तरीके से किसी क्षेत्र का विस्तार नहीं किया इस्लाम जो है वो इतना फिर विस्तार उसका कैसे हुआ ये सारी घटनाएं छः से शुरू होती हैं मोहम्मद पैगंबर के समय तो समस्या मात्र केवल ये थी कि अंदरूनी विरोध को समाप्त किया जाए कैसे किया जाए और अपने अपनी सत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाए जितनी भी सत्ता थी उसको मजबूती कैसे प्रदान की जाए ये मोहम्मद पैगंबर के काल की बातें हैं उसके उनके मृत्यु के बाद ही विस्तार की बात शुरू होती है तो फिलहाल उनकी मृत्यु तक के ईश्वरीय संदेशों का संकलन उद्घाटन रह, कुरान कहलाता है और चूंकि ये उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है ये सुनिश्चित है कि पूरा कुरान एक साथ रचित नहीं है लगभग 600 50 ईसवी के आसपास इसे पूरा किया गया छः में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हुई और उसके बाद फिर उनके विचारों का संकलन ईश्वरी संदेशों का संकलन प्रारंभ हुआ जो लगभग 650 के आसपास पूर्ण हुआ आज जो सबसे पुराना कुरान हमारे पास है वो नौवीं शताब्दी का माना जाता है नौवीं शताब्दी किसे कहते हैं नौवीं शताब्दी यानी कौन से सौ साल शत माने सौ सौ वर्षों के कौन से सौ वर्षों के काल को शताब्दी कहा जाता है अभी कौन सी शताब्दी चल रही है बीसवीं शताब्दी या इक्कीसवीं शताब्दी या बाईसवीं शताब्दी हम में से अधिकतर लोग इसे बीसवीं शताब्दी सोचेंगे ये इक्कीसवीं शताब्दी है जो वर्ष दो शून्य 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 से शुरू होता है जैसे ही वह इक्कीसवीं शताब्दी में आ जाता है बीस से शुरू होने वाला अंक या बीस से शुरू होने वाला जो हजार है उसमें बीस से शुरू हुआ तो इक्कीसवा शताब्दी और फिर यह समाप्त कब होगा इक्कीसवीं शताब्दी समाप्त होगी बीस सौ निन्यानबे में दो हजार से लेकर दो हजार निन्यानबे तक के काल को क्या बोलेंगे इक्कीसवीं शताब्दी दो हजार निन्यानबे और जैसे ही दो हजार निन्यानबे समाप्त होता है तो उसके बाद क्या आएगा बाईसवीं शताब्दी और बाईसवीं शताब्दी कब से प्रारंभ होगा 2021 से दो एक शून्य शून्य से जो प्रारंभ हुआ वो बाईसवां दो शून्य से जो प्रारंभ हुआ वो इक्कीसवां एक, एक नौ से जो प्रारंभ हुआ वो बीसवा तो इस प्रकार यदि मैं नौवीं शताब्दी की बात कर रहा हूं तो वो प्रारंभ कब से होता है आठ से तो एट आठ सौ से शुरू होकर एट नाइन नाएं तक के शताब्दी में जो बातें हुई हैं जो घटन हुए ये सबसे पुराने कुरान में जो हमारे पास अभी उपलब्ध है उसमें रखे हुए हैं संकलित हैं इसके कई खंड हैं जो और पुराने हैं जो इससे पहले के हैं और ये जो खंड हैं पहले के खंड वो हम कह सकते हैं कि वो चट्टानों के गुंबद और उसके अलावा कुछ अभिलेखों में कुछ सिक्कों में उकेरे गए हैं कुछ सिक्कों में उसे एम्बॉस किया गया है उसे काट काट कर बनाया गया तो कुरान की कुछ बातें कुरान के कुछ संदेश ये वहां पर भी निहित हैं प्रारंभिक इस्लाम जो है सबसे शुरू की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इस्लाम के स्रोत और इस्लाम के स्रोत की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो कुरान स्वयं है लेकिन कुरान के साथ एक समस्या है पहली समस्या ये कि ये एक धर्म ग्रंथ है और जब धर्म ग्रंथ है तो ये अपेक्षा की जाती है कि उसके उसमें दिए गए विचार उसमें निहित विचारों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए उसमें निहित बातों का निष्कर्ष निकालने के पूर्व ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कुछ गलत निष्कर्ष ना निकाला जाए ऐसा कोई गलत संदेश ना जाए जो धर्म भीर लोगों को आहत कर सके तो इसलिए कुरान धर्म ग्रंथ तो है लेकिन इसके ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करते समय हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कुरान ने जो समस्या पैदा की उसमें सबसे बड़ी यही है कि इसमें धार्मिक सत्ता निहित है कुरान में मुसलमानों का आमतौर पर विश्वास है कि ये कुरान जो है वो अल्लाह की वाणी है ऐसा हम मान लें और अल्लाह की वाणी है तो उसे शब्द बह शब्द समझ समझा जाना चाहिए मैंने आपको बताया बाद में खलीफा ने तो ये भी कहा कि ये वाणी ही नहीं है उनकी रचना ही है और ये कब के खलीफा ने कहा था आप ख्याल करेंगे लगभग एक शताब्दी पूर्व आठवीं शताब्दी के खलीफा उमरान ने उनका यह बयान था कि यह तो उनकी रचना ही है केवल वाणी ही नहीं रचना है और इसीलिए जब ये, भे, ये भावना ली जाए कि शब्द ब शब्द इसे हमें समझना चाहिए तो बुद्धिवादी धर्म विज्ञान जो ज्यादा उदार थे उन्होंने कुरान की व्याख्या और उदारता से की कुरान की व्याख्या और उदारता से की उसको उसको उन्होंने उस बहुत कड़े नज़रियों से नहीं देखा उन्होंने उसमें उदारता बरती है और 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने तो यह मत लागू किया कि कुरान उनकी रचना है क़ुरान उनकी रचना है और ये अधिक उदारता का ही परिचायक है विश्वास अथवा मेहना के मुक़दमे में ये बात साफ उन्होंने की कि, कि कुरान वाणी के बजाय उनकी रचना मानी जाए इसके बाद दूसरी समस्या ये आती तो पहला तो ये हुआ कि धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है और इसके विवेचन पे उदारता बरतने की ज़रूरत है बहुत सेंसिटिव मामला है अब दूसरी समस्या ये है कि यह कुरान रूपक में बात करता है रूपक का अर्थ क्या हुआ घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि केवल उल्लेख करता है रूपक में बात करने का अर्थ हुआ कि ये घटनाओं का वर्णन न करते हुए केवल उसका जिक्र करता है विस्तार से नहीं बताता ओल्ड टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट क्या है बाइबल बाइबल जो ईसाई धर्म की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है उसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट है उस उस ओल्ड टेस्टामेंट में तो घटनाओं का विवरण है पूरा विस्तार से ईसा मसीह के इतिहास पर ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे घटनाक्रम को बड़े विस्तार से उसमें बताया गया है और बहुत विस्तार से चित्रित भी किया गया है विजुअल्स के द्वारा उसमें सांकेतिक बातें नहीं की गई हैं लेकिन ठीक ओल्ड टेस्टामेंट के विपरीत कुरान में सारी बातें संकेत में हैं, विस्तृत रूप से घटनाओं का विवरण नहीं है ये केवल उल्लेख है मात्र उसका जिक्र है ये जिक्र होना समस्या खड़ी करता है क्योंकि यदि जिक्र है तो समस्या ये आती है कि इस घटना के मायने क्या हैं, घटना के कारण निवारण परिणाम इसको लेकर भी अलग अलग मंतव्य निकलते हैं तो बहुत बड़ी एक दूसरी समस्या कुरान के साथ इस बात को लेकर है कि यह एक तरीके से प्रत्यक्ष बात न करके परोक्ष रूप से निष्कर्ष निकालने की के लिए विवश करता है जो मध्यकाल के जो मुस्लिम विद्वान हैं मध्यकाल यानी इसी काल के आसपास नौवीं दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी ये इनके जो वचन हैं इनके अभिलेख जो हैं हदित की सहायता से टीकाओं की रचना करते हैं जिसका जिक्र मैंने किया है टीकाएं यानी टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी करते समय वे कुरान बनाम उपलब्ध अभिलेख कुरान बनाम उपलब्ध अभिलेखों की मदद से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो अभिलेख हैं उन्हें हदिद भी कहते हैं और उसके बाद वे अपनी टीका टिप्पणी करते हैं उस पर जिसे टीका कहा जाता है और क़ुरान को समझने के लिए इस प्रकार के कई अभिलेख उपलब्ध हैं और जिस पे तत्कालीन मुस्लिम विद्वानों के हदित उपलब्ध हैं